हेलो एवरीवन, देखिए प्रश्नावली चलिए समांतर श्रेणी की 5.3। और इसका पहला सवाल है जो तुम्हें सॉल्व करना है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें तुम्हें योग ज्ञात करना है। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है इसका, देखिए पहले सवाल के ये पार्ट है इसके, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको समझो पहले सवाल को ध्यान से। हाँ, कैसे इसको सोल्व करते हैं, पहला सवाल क्या है इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखो ध्यान से कैसे होगा। सवाल यह है कि 2.7.12 डेटेस 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है सवाल का कि शुरू में अगर 2 है तो कितने जुड़ कर आ रहे हैं, 7, 5, फिर 5 जुड़ कर कितना आ जाएगा, 12, फिर 5 जुड़ कर आ जाएगा 17। इस तरीके से 5 5 ऐड हो रहे हैं, 5 5 जुड़ रहे हैं ना इसके अंदर, तो 5 5 हम जोड़ेंगे कितनी बार, 10 बार तक। जब हम 10 बार तक 5 5 इसको जोड़ देंगे तो हमें 10 पदों तक का इसमें योगफल ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसमें योगफल। तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले वाले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल क्या है इसके अंदर, पहले सवाल को लिखो ध्यान से। सवाल यह है कि 2.7.12 डेड डैश कितने हैं, 10 पद हैं। तो 10 पदों तक इसमें तुम्हें ए का मान दे रखा प्रथम पद, जिसको को बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें ए बराबर कितना है, 2, कितना है, 2 दे रखा है। तो ये हो गया प्रथम पद 2। अब हमें निकालना सर्वांतर पद, सर्वांतर पद, सर्वांतर पद कैसे निकालते हैं हम, डी बराबर ए टू माइनस के ए वन करके, ए टू माइनस के ए वन करके। तो डी का मान ध्यान से देखो, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो ए टू का मान कितना यहाँ पे, 7 है, तो 7 रख दो, माइनस ए वन का कितना, 2। तो डी का जो मान आया कितना आ गया, 5, डी का मान आएगा प्लस का 5 आएगा। तो 7 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा, 5 बचा है। आगे सॉल्व करो इसको, तो हमारे पास डी का मान आ गया है। 10 पदों तक हमें क्या निकालना, इसका योग ज्ञात करना है, जोड़ना है सवाल को। तो इसमें जो 10 है ये रखोगे तुम किसका, एन का मान, एन का मान रखोगे 10। अब इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे वो सुनो आप। देखो फॉर्मूला हमें योग वाला निकालना है, तो फॉर्मूला होता है योग बराबर एस एन बराबर होता है एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस के वन इन टू में डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो एस एन की वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी चाहिए एस एन की वैल्यू चाहिए, तो एन का मान कितना है इसमें, एन का मान है 10, बटे में कितना है 2 इंटू टू इंटू ए, ए का मान कितना आ चुका है, ए का मान आ चुका है 2, तो 2 रख दो यहाँ पर, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है इसमें 10 पदों तक, मतलब एन का मान कितना है 10, एन का मान कितना है इसमें 10 पदों तक, तो एन का मान रखेंगे हम 10 यहाँ पे, तो एन का मान रख दो 10 माइनस के 1 इंटू में डी, डी का मान निकाल चुके हैं 5। आगे सोल्व कर दो, 2 5 10, तो एस एन बराबर यहां से आगे तुम्हारे पास 5 इंटू 2 दूनी कर देगा 4 प्लस, देखो यहां से 10 में से एक निकालेंगे 9 बचेगा, और 5 क्या गुणा में, ब्रेकेट क्या होती है, गुणा होती है, तो यहां से बचा 9, 9 5 45, तो 45 लिख दो। एस एन बराबर आएगा 5 इंटू, अब देखो 45 में कितना जोड़ देंगे हम, 4, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49, और ब्रेकेट क्या होती है, गुणा होती है, 5 9 45 का 5 हंसी लगे 4, 5 4 20, 20 और 4 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पदों तक जो तुम जोड़ोगे संख्याएं, 10 पदों तक जो संख्याएं जोड़ोगे वो बैठेंगे टोटल जोड़ के 245, मतलब सब जोड़ दोगे, 2 में 7 जोड़ोगे 9, 9 में 12 जोड़ोगे, इस तरीके से जोड़ते रहोगे 10 पदों तक, तो 10 पद जो बैठेंगे 245 के बराबर बैठेंगे। तो इस तरीके से सोल्व कर दोगे तुम, और दूसरा भी इसी तरीके से सोल्व करना है, करो इसको सोल्व। देखो नेक्स्ट वाला सवाल सोल्व करते हैं कैसा होगा उसको देखो आप। सवाल क्या है, दूसरा सवाल करते हैं कैसा होगा। सवाल है तुम्हारे पास -k 37, -k 33, -k 29, डेड डैश कितने पद है इसमें, 12, 12 पदों तक। अब ध्यान से देखो इसके मान कैसे निकल कर आएंगे बताएं इसको। देखो यहां पर तुम्हारे पास जो मान है, प्रथम पद है इसके अंदर, प्रथम पद ए बराबर है -k 37, -k 37 है। अब देखो अब निकालेंगे सर्वांतर पद, सर्वांतर पद, और सर्वांतर पद का होता है डी, फॉर्मूला होता है ए टू माइनस के ए वन, ए टू माइनस के ए वन। तो डी का मान निकाल लो,
ए टू का मान कौन है, माइनस के 33, माइनस के 33। अब यहाँ पे ध्यान से देखियो, ये माइनस ऐसे लगाओ, ए वन का मान कौन है, ये है, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ऐसे चलता रहेगा 12 पदों तक। तो यहाँ पर ए वन का मान है माइनस के 37, माइनस के 37। अब ये ब्रेकेट कहाँ से आ गया, जब डबल मार्क आ जाए इस तरीके से तो हम ब्रेकेट लगाते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो डी बराबर आ जाएगा माइनस के 33, माइनस के 33, माइनस माइनस कर देगा प्लस, प्लस का हो गया तुम्हारे पास 37। अब डी की वैल्यू आ गई इसके अंदर, 37 में से 33 निकाल दो कितने बचे बताओ, 4 बचेंगे। तो डी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमारे पास किसका मान आ गया, सर्वांतर पद का मान आ गया। अब सोल्व करें इसे, देखो हमारे पास सर्वांतर पद आ गया इस तरीके से। अब तुम्हारे पास इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो इसका सूत्र होता है, सूत्र देखो, इसका सूत्र क्या बताया था, सूत्र था इसका एस एन बराबर एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस के वन इंटू में डी, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके मान फिट कर दो, इसके मान कैसे फिट करोगे, देखो एस एन का मान चाहिए, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, सम का मतलब जोड़ बताना है, नंबर कितने हैं, कितना जोड़ आएगा कहां तक, 12 पदों तक। तो लगा दो इसके मान, देखो इसमें एन का मान कितना है, इसमें जो एन का मान है ये 12 है, ये जो है ये एन का मान है। अब सारे मान उधर फिट कर दो, एन का मान कितना है 12, ये फॉर्मूले का आ गया नीचे 2 इंटू 2, और ए का मान क्या है, ए का मान है माइनस के 37 है, माइनस के 37 है, तो माइनस के 37 लगा दो, प्लस एन, और एन का मान कितना है 12, माइनस आ गया ये फॉर्मूले का, वो बना गया फॉर्मूले का, और डी का मान हम निकाल चुके हैं कितना आ चुका है 4। अब सोल्व कर दो इसको, देखो एस एन का मान मुझे चाहिए, ये कट गया 2 से काट दो, 2 छक्का 12, यहां से आ गया 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस के 37 प्लस के 2, गुणा कर रहे हैं ब्रेकेट के होके गुणा, 37 दुनी होते हैं 74, तो माइनस के आगे 74, 37 दुनी 74 प्लस, इसको सोल्व करो, पहले ब्रेकेट को हल करते हैं, किसको हल करते हैं, ब्रेकेट को, इस ब्रेकेट को हल करेंगे, 12 में से एक निकालना कितने बचे 11, और 11 चौक कर देगा 44, कितने कर दिए 44। एस एन का मान मुझे चाहिए 6 इंटू, अब ध्यान से देखें 44 में से 74 निकालने हैं, कैसे निकलेंगे वो सुनो, देखो 4 में से 4 गया 0 बचा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक, और ये माइनस है तो माइनस लगा दो, जब हमें माइनस के ज्यादा दिखा देते हैं तो माइनस लगाते हैं, ये बताया था। अब देखो एस एन का मान मुझे चाहिए, और ब्रैकेट क्या होती है गुणा, 6 * 18 और प्लस माइनस माइनस, तो इसका जो मान आया, देखो ये माइनस में चल रहे हैं ना सारे मान, पहले माइनस के 37 था, फिर माइनस के कितना हुआ 33 हुआ, फिर 29 हुआ, ये जो मान है क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, ये मान बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसमें माइनस में, माइनस के जितने कम होते हैं इतने ही तो बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस के 29 माइनस के 37 से तो बढ़ी है ना, नीचे को जा रही आई, तो इस तरीके से जो बार बार पद आएगा वो आएगा माइनस के 180, तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। आगे समझ में आई है, करो नोट, देखो तीसरा सवाल सोल्व करते हैं, कैसे होगा सोल्व बताएं इसको, देखो ध्यान से, अभी तीसरा सवाल हमारे पास ये है, क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 कितने पद हैं इसमें, 100 पदों तक, तो हमें 100 पदों तक ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें इसमें क्या करोगे तुम, इसमें लिखोगे प्रथम पद, प्रथम पद, और प्रथम पद होता ए, और ए का मान है इसमें 0.6। सर्वांतर पद तुम्हें निकालना बताई दिया है, सर्वांतर पद D बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1, ठीक, D का मान निकालें, देखो D का मान कैसे निकालेंगे वो सुनो ध्यान से, देखो ये हमारे पास होगा a1, ये होगा हमारे पास a2, a2 में से a1 निकालना है तो a2 का मान है हमारे पास 1.7, क्या हमारे पास 1.7, माइनस a1 का मान कौन है 0.6। देखो D का मान कैसे निकालोगे सुनो ध्यान से, देखो 7 में से 6 निकालेंगे क्या बचेगा हमारे पास 1, पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दो, और 1 में से 0 निकालेंगे 1 ही बचेगा, तो D का मान आया 1.1। हमने क्या निकाल लिया, सर्वांतर पद, और इसमें n का मान और दे रखा है, n का मान है 100, n का मान है 100। अब फॉर्मूला लगाओ और आंसर ले आओ, देखो फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला सुनो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर
एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस के वन एन माइनस के वन इंटू में डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके मान फिट करते हैं और लेकर आते हैं इसका आंसर। एस एन का मान मुझे चाहिए, एन का मान कितना है 100 है, कितना है 100 है, तो 100 रख दो पर, बटे में कौन है 2 इंटू टू, और ए का जो मान है ए का मान कितना है 0.6, कितना 0.6, तो 0.6 लगा दो, प्लस एन का मान कितना है 100, तो 100 लगा दो, फॉर्मूले का कौन आएगा माइनस के वन आएगा ये, और डी का मान कितना आ चुका है 1.1। आगे सोल्व कर दें इसको, सुनो फिर ध्यान से, एस एन का मान मुझे चाहिए, 100 को भाग करेंगे किससे 2 से, कैसे कट करेंगे सुनो, देखो 2 × 5 = 10, 0 ऐसे आ जाएगा, 50 मैंने ऐसे लिखा, आगे सोल्व कर दो, 2 से गुणा करने तुमने 0.6 की, कैसे करोगे देखो 6 × 12, तो 6 × 12 तो हो गया है, बट एक संख्या के बाद में क्या है पॉइंट है, मतलब 0 के बाद में क्या है पॉइंट है, एक संख्या के बाद में है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, गिनती करके देखो एक के बाद में पॉइंट यहाँ पे तो लग गया प्लस, अब 100 में से एक निकाल दो कितना हो जाए 99, तो 99 लिख दो, और गुणा में कौन है मतलब कौन है 1.1, तो 1.1 क्या है यहाँ पे गुणा में है, तो इसकी गुणा कर दो। अब आगे सोल्व करो, देखो कैसे करोगे, एस एन बराबर चाहिए 50 × यहाँ से है 1.2 प्लस, अब ध्यान से देखें 99 से गुणा करनी है 1.1 की, कैसे करोगे सुनो, देखो हमें गुणा करनी इस तरीके से कर सकते हो जैसे तुमने बचपन में करी है इस तरीके से, ऐसी तो करी है, देखो 11 × 99 हाँ से लगे 9, 11 × 99 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए 108 हो गए, कितने हो गए 108 हो गए। अब ध्यान से सुनो पॉइंट तुम्हें कहाँ पे लगाना है, पॉइंट तुम्हें लगाना है यहाँ पे ध्यान से देखो एक संख्या के बाद में, तो एक इधर से पॉइंट लगाओ 9 है ना इधर, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, वैसे 1.1 की गुणा करके हमारे पास कौन आया 108.9 ये आ गया हमारे पास, ये समझ में आ गया कैसा करा, देखो 11 से 99 की गुणा कर रहे हैं तो क्या करा हमने, देखो 11 × 99 का 9 हाँ से लगे 9, 11 × 99 और 9 108 हो गए। अब यहाँ पे बात आती है पॉइंट कहाँ पे लगाना, देखो यहाँ पर एक संख्या के बाद में पॉइंट है, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो इधर भी जो हमारे पास गुणा करके आया 1089, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, तो हमने लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, तो ये तरीका होता पॉइंट में गुणा करने का। एस एन का मान मुझे चाहिए 50 ऐसी लिखो, अब इसको जोड़ना है 108.9 में 1.2 जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे देखो 9 और 2 11 हासिल लगा कितना 1, हासिल 1। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आया तो पॉइंट और लगा दो क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है, अब 8 और 1 9 और हासिल का हो जाएगा 10, फिर हासिल का लगेगा इस 0 में हासिल का 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1 और ये वाला 1 ऐसे आ जाएगा, तो इस तरीके से जुड़ेगा, आगे समझ में, आगे सोल्व कर दो, एस एन बराबर यह आया 50 की ब्रेकेट होती है गुणा, ये हो गया 110.1, ऊपर का पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे एस एन बराबर मुझे चाहिए यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 5, यहाँ से आ गया तुम्हारे पास कितना 1101। अब गुणा कर दो इसकी, क्या करेंगे देखो, हाँ एस एन बराबर यहाँ पे 5 × 5 = 5, 5 × 0 = 5, 5 × 5 = 5, तो 55 × 5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो योगफल आ गया इसका पूरा, हाँ।